हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है स्पेशल संडे, तो संडे के दिन जैसा कि आप लोगों को पता है सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल खाना ही होता है। तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, थोड़े से बनाऊँगी, दो सैंडविच बनाऊँगी और बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े। तो हस्बैंड को खाना था सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े, तो हर संडे ब्रेड तो आ ही जाते हैं, तो हस्बैंड ने आलू उबाल दिए थे। और उसके बाद मैं पूजा पाठ करने के बाद जो है यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तो ये बड़े बड़े से बना दूँगी, उसके बाद मैं काट दूँगी इसको बीच से, तो हो जाएंगे खाने लायक। और कुकर में मैंने टमाटर, वैसे मतलब गर्म पानी था तो उसी में मैंने टमाटर डाल दिया था, एक सीटी लगा के टमाटर बना लूँगी। टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च, तो उसकी बनाऊँगी मैं चटनी। मोमोस वाली जो चटनी होती है ना, वो टेस्टी सी तैयार हो जाती है। तो ब्रेड पकौड़े के साथ खाओ, पकौड़े के साथ खाओ, किसी भी के साथ खाओ, अच्छी लगती है। तो चलिए बना लेते हैं। और बेटी भी जो है सभी नहा धोकर आ चुके हैं घर पे, और झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, सिर्फ मुझे खाना बनाना, मतलब यही बनाऊंगी। तो ये अभी टाइम हो रहा होगा 10:30 का टाइम हो चुका होगा, मतलब 10 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं हुआ। तो ये नाश्ता होगा, उसके बाद कोई खाना नहीं दोपहर का खाता है। तो आज दिखाती हूँ मेरे घर में ना संडे के दिन इन लोगों को क्या क्या चाहिए होता खाने को, मतलब हमेशा सारा टाइम स्पेशली कुछ मिल जाए हमें खाने के लिए। तो अभी तो देख सकते हो ये कश्मीरी लाल मिर्च थी, और जो है टमाटर दो मैंने इसकी चटनी बनाने के लिए काट लिए थे, तो इसकी चटनी बना दूंगी पकौड़े के साथ, बहुत टेस्टी लगेगी खाने के लिए। सैंडविच के साथ भी खा सकते हैं और पकौड़े के साथ भी खा लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। और क्या कहते हैं, मैं कुछ बोलने वाली थी लेकिन मैं भूल जाती हूँ बार बार क्या बोलना था मुझे क्या नहीं, ठीक है फिर। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज इतना जन्माष्टमी गाइज, ये है बड़ा पाव, सॉरी क्या बोलते हैं, ब्रेड पकौड़े। और ये मेरी माँ की चटनी है। ये कौन सी चटनी है? माँ की चटनी। चल गाइज, हम ऐसे वाली चीज नहीं। गाइज ये एक दो मेरा है, ये मम्मी का है, ठीक है गाइज। तो खाने के बाद उसी टाइम हम लोग निकल पड़े हैं घर का काम फिनिश करने के बाद। देख सकते हो बाहर आए थे हम लोग दीपनगर में, तो मुझे झूला बनाने के लिए कपड़ा और फेविकोल की ज़रूरत पड़ती, कील वगैरह जो भी था सारा सामान लेने के लिए आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर सामान सारा ले लेंगे उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे लाला जी बनवा रहे खाना, हमारे कन्नू बनवा रहे कान्हा जी जो है झूला अपने लिए, क्योंकि इनका झूला जो था पहले ये था, पहले वाला झूला जब हमारे छुटकू बाबू थे ना, ये जो हमारे छुटकू बाबू पहले इन्हीं का सिर्फ झूला था, आसन था। तो ये देखिए पहले का झूला, और हम बना रहे हैं अब बड़ा वाला झूला। तो ये येलो कलर का कपड़ा लेकर आए हैं, ये देखिए कपड़ा, और ये बोल इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी, हिंदी में बोलते हैं लकड़ी, पलाई। और ये देखिए तैयार किया जा रहा है, ये कानू के बाबा तैयार कर रहे हैं झूला, और मैं भी हूँ साथ में। तो हम बना रहे हैं झूला, तो कपड़ा लगा लिया था, और यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी से हम लगा रहे हैं टीले ताकि मजबूती के साथ रहे। तो देख सकते हो, तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं झूला। बहुत ही मेहनत लग रही है और ठंडी हवा चलने लगी है, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है हल्का फुल्का। चलिए फटाफट से बनाते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स पूरे में जो प्लाई थी सब में हमने लगा लिया है कपड़ा पीले रंग का, और बस अब इसको खड़ा करना है, उसके बाद लैस वगैरह सब कुछ लगाना है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से चूल्हा। और हमारे कान्हा जी अब वहाँ पर बैठ गए हैं, भूखी लग रही थी, यहाँ पे आ गए हैं। धूप देख सकते, धूप भी आ गई और हम नीचे ही काम कर रहे हैं। और चलिए बनाते हैं फटाफट से। देखिए उसकी नाक बह रही है। नहीं नहीं आंटी, वो सीना निकल रहा है। क्या करने आए हो यहाँ पे? खाना खाने हैं। हटो। चाय और साक्षी। क्या खाने आए? चाय और पकौड़े। कौन बना रहा है? साक्षी। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? हम बैठे हैं। ये देखो, ये आई है साक्षी फ्रेंड चाय पकौड़े बनाने खाने के लिए। ये देखिए, और ये बना रही है। और ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों को चाय पकौड़े खाने के लिए आ जाते हैं। बेल्ले इंसान है, मम्मी तुम्हारी क्या कर रही है बेल्ले इंसान, इसमें काम नहीं करवाती है ये भगवान। और टाइमिंग आप लोगों को दिखाती हूँ, तो टाइम हो रहा है 4:30, मतलब 4:15 हो चुके हैं, और अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। और धूप देख सकते हो, कभी धूप कभी छाव हो रहा है यहाँ पर। और आप लोगों को बता दें, हमारा चूहा जो मर चुका है, पता नहीं किसके घर पर जहर खा कर आया था और वो मर गया। हमारे घर में तो जहर नहीं खाया, किसी और के घर में जहर खाया उसने, और वो जा चुका है इस दुनिया से। तो और यहाँ पे देख सकते हैं झूले का काम कितना हो गया है। तो ये देखिए, और यहाँ पे चाय पकौड़े आ गए हैं, और देखिए झूले का काम कितना सेट हो गया। अब लैसेस वैस लगाना है, और ये बस बन रहा है इसका, देख सकते हो काम चालू है। बहुत ही मेहनत लगा, और झूला काफ़ी बड़ा हम लोगों ने बनाया, छोटा झूला नहीं, काफ़ी बड़ा झूला हम लोगों ने बनाया है। तो चलिए खाते हैं चाय पकौड़े, तो और काम भी साथ के साथ होता रहेगा। तो फ्रेंड्स मेरा झूला बनकर रेडी हो चुका है, फाइनल हो चुका है, और कल शाम से हमने स्टार्ट किया था, और आज दोपहर से स्टार्ट किया था, करीब 12 या 1 बजे स्टार्ट करते हुए, और अभी बजे 6:30 का टाइम हो चुका है, और फाइनल हमारा झूला बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सबसे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने अपने हाथों से झूला बनाया, मेरे हस्बैंड ने और मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत किया, और फाइनल हमारा झूला बन के रेडी हो चुका है। और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है झूला। सच में अगर मैं पैसा लगा के ये झूला ले आती तो भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी ना मिलती जितनी ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है मेरे दोनों के हाथों से, मतलब अपने हाथों से डेकोरेशन करके और खुद बना के। सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि अंदर से तो रोना आ रहा है मुझे, लेकिन कैमरे के सामने तो रो नहीं सकती हूँ, अकेले में रो सकती हूँ, लेकिन कैमरे के सामने नहीं रोऊंगी क्योंकि रोते हुए अच्छी नहीं लगती हूँ इसलिए। और बहुत ही सुंदर सा झूला तैयार किया, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है झूला। चलिए बोलिए राधे राधे राधे, शाम से मिला दे हो। तो देखिए ये है फाइनल लुक मेरे झूले का, और ये मैंने काफ़ी बड़ा झूला बनाया, छोटा सा झूला नहीं बनाया है मैंने, बहुत बड़ा झूला बनाया। और ये है डोरी उधर झूलाने के लिए, ये लगाया है। चलिए आपको बाबू को बिठा के भी दिखाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में। तो देख सकते हो कितना बड़ा मैंने झूला बनाया है, काफ़ी बड़ा, और ये इसमें अगर सारों का खर्चा मिलाया जाए तो काफ़ी खर्चा लगा है, मतलब इतना भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगा क्योंकि लकड़ी हमारे पास थी, जो मतलब प्लाई है ना वो हमारे पास थी, मेरे हस्बैंड कंपनी से लेकर आते थे, जो प्लाई कंपनी में ना बहुत सारी प्लाई होती थी, जो अच्छी अच्छी प्लाई होती थी, सुंदर सुंदर नई प्लाई होती है, मतलब पुरानी प्लाई नहीं नई प्लाई होती थी, ये नई प्लाई आती थी, और जो है ये फिर लेकर आए थे, काफ़ी सारी प्लाई मेरे पास थी, तो मैंने काफ़ी सारा सामान खुद ही बनाया, आप लोगों को दिखाया भी है कई बार वीडियो में देखा होगा, मैंने खुद ही बनाया है, तो उसी से मैंने इन प्लाई से बनाया है झूला। और ये 150 रुपये मीटर मुझे कपड़ा मिला है, 150 रुपये मीटर कपड़ा, और ये लैस मैं पहले से ही आप लोगों ने देखा है मेरे पास काफ़ी सारी लैस होती है, मतलब कप बनाने के लिए ले आती हूँ।
तो मेरा सिलाई का काम है तो मेरे पास लैस भी होती है, तो मतलब अगर टोटल खर्चा किया जाए तो मेरा इसमें लकड़ी का ना जोड़ के, अगर लकड़ी आती तो काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन बिना लकड़ी के मेरा टोटल इसमें सिर्फ 200 का खर्चा आया है और 200 में ये बना है। मतलब ये लैस वगैरह तो मैंने पहले से ही करी, बहुत ही मैं ये लैस तो मेरे पास होती हैं, लैस का खर्चा ना करके सिर्फ ऐसे ही मतलब 200 का सिर्फ खर्चा आया है, बाकी अगर लैस वगैरह लकड़ी वगैरह जोड़ा जाए तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फाइनल झूला हो चुका है और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। और कानू जी वहाँ पे बैठे हैं, देख सकते हो, आपको बैक कमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और ये छोटा वाला झूला जो छोटे बाबू का था पहले का, तो ये बड़ा झूला कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाबू से पूछते हैं कैसा लगा। बाबू की खुशी तो आप लोग देख ही सकते हैं, बाबू इतने ज़्यादा खुश है कि कब मुझे झूला मिलेगा बैठने के लिए। बाबू कैसा लगा झूला ना, अच्छा लगा ना? हाँ, खुशी देखो खुशी। और इतना बड़ा झूला मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आगे तक के लिए बनाया है, क्योंकि भविष्य में आगे पता नहीं कब मेरे घर में राधा रानी आएगी, तो उनके लिए भी मैंने बनाया है, तो राधा रानी भी आएगी तो मतलब सभी के लिए मुझे दोबारा झूला ना बनाना पड़े, मतलब खरीदना ना पड़े, इसलिए मैंने इतना बड़ा झूला बनाया कि सबके लिए इस पर आ जाएंगे इसी पे, इसी झूले पे, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इतना बड़ा झूला बनाया। सो हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तो उस दिन होगा जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी और खूब सारी खुशियाँ है जन्माष्टमी। और आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी बनाई जरूर कमेंट कीजिएगा, मतलब तो देखेंगे ही, ठीक है। और कैसा लगा आप लोगों को झूला कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं। बस मैंने ये भी लगा दिया है पीछे सपोर्ट के लिए, अब सुंदर ज़्यादा लग रहा है। कैसा लगा, अच्छा लग रहा ना? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं और खाना खाते हैं और देखते हैं एंड होता है क्या, होता है क्या नहीं। और कल है जन्माष्टमी तो काफ़ी तैयारी करनी है। और तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा सा भी पसंद आता है आप लोगों को या फिर, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय बाय।